लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट एक बार फिर चर्चा में है। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा उनके सिर फोड़े जाने पर अपने विरोधियों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विरोधी शादी समारोह में लोगों के बीच एक ही बात कह रहे हैं कि हरीश रावत ने पार्टी को हरवा दिया, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट और बयान के जरिए न सिर्फ अपनी आप बीती सुनाई बल्कि अपने आलोचकों पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मेरे कई अच्छे दोस्त यह सोचकर चलते हैं कि हरीश रावत नहीं होता तो उन्हें दुनिया की न जाने क्या क्या दौलत व पद मिल जाते। 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद नगर निगम कोटद्वार भी अलर्ट मोड पर है। नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक को बेचने और उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नगम ने पिछले 2 दिनों से 24 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और उनका चालान काटते हुए 12,500 का जुर्माना वसूला। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों मंडलों के लिए खुशखबरी है। सिगड्डी से कोटद्वार से रामनगर बस सेवा पुनः शुरू हो चुकी है। सिगड्डी क्षेत्र में कुमाऊं मूल के कई परिवार रहते हैं। इस बस सेवा से उन्हें अपने पैतृक गांव तक पहुंचने में आसानी होती थी लेकिन कोरोना काल में बस सेवा को बंद कर दिया गया जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से बस सेवा फिर से शुरू करने की कई बार मांग भी की। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक रितु भूषण खंडूरी ने पूजा अर्चना कर बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय लोगों ने बस सेवा शुरू होने पर रितु खंडूरी का आभार जताया। एक दूसरे के राजनीतिक दुर्विरोधी डिडिहाट विधानसभा के विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता बिशन सिंह चुफाल और दमदार विपक्षी नेता किशन सिंह मंडारी काफी समय बाद एक बार फिर आमने सामने दिखे। पिथौरागढ़ चौरासी के रहने वाले एशिया के पहले यूरोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन गिरधर सिंह बोरा ने चौरासी स्थित अपने इष्ट देव अलाईमल मंदिर में पूजा अर्चना दी। यहाँ दोनों नेताओं ने भी शिरकत की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दोनों के बीच काफी दूरियां देखने को मिली। उत्तराखंड के सबसे पुराने रोडवेज बस स्टेशन में से एक टनकपुर बस स्टेशन में बसों की हाल बहुत बुरी है। यहाँ यात्री सुविधाओं की भी कमी है। बिजली गुल हो जाने पर रात में अंधेरा तो दिन में गर्मी से जूझना पड़ता है। रोडवेज स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को डिपो की अल्मोड़ा से टनकपुर, अल्मोड़ा से लमगड़ा से दिल्ली, अल्मोड़ा से बेतालघाट से दिल्ली, बागेश्वर से बरेली और अल्मोड़ा से बागेश्वर आदि सेवाओं का संचालन ठप रहा। बसें न चलने पर टनकपुर, लमगड़ा, बेतालघाट, दिल्ली, बागेश्वर आदि स्थानों को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुच्चुपानी पर्यटक स्थल पर टोंस नदी का जलस्तर बढ़ने से 11 पर्यटक फंस गए। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस, फायर विभाग और एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सकुशल निकाल लिया। पुलिस ने फिलहाल बरसात के सीजन में लोगों से यहां न आने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज भी भीषण बारिश की शंका जताई है। आज 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है जिसमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज रविवार को भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन को खराब मौसम के मद्देनजर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। पहाड़ों में यातायात के दौरान भूस्खलन के खतरे से भी सावधान रहने को लोगों से कहा गया है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।